हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीबीए या तो फिर कह लीजिए बीबीएम का हम सिक्स्थ सम का एनईपी सिलेबस आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो बीबीएम या बीकॉम में कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के लिए एग्जाम्स में रहेंगे, सो सारा डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीबीएम में टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, कौन से हैं एक एक से डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए सो दोस्तों, अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, आपको लॉ के रिलेटेड रहता है बिजनेस के। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा बिजनेस लॉ दोस्तों। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इनकम टैक्स। सेकंड जो आपको फिफ्थ सम में इनकम टैक्स जो फर्स्ट था, जो आपको थोड़ा फर्स्ट चैप्टर जो थ्योरेटिकल और उसके बाद प्रॉब्लमेटिक रहे थे, उसके बाद यहां पर आपको सिक्स्थ सम में सारा प्रॉब्लमेटिक ही सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, इनकम टैक्स। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही रहेगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, दो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी दो सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है। 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं स्टेट बोर्ड की तरफ से या तो फिर हायर एजुकेशन की तरफ से, 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 5 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, लेकिन आपको सिक्स सम में ज्यादा झंझट नहीं आएगी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की, क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से रहेंगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद आ जाइए अपने सिक्स्थ सब्जेक्ट की तरफ। सिक्स्थ सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, 2 सब्जेक्ट में से आपको 1 सब्जेक्ट चूज करना है सिक्स्थ के लिए। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको कैसा रहेगा दोस्तों, आधा पार्ट आपको थ्योरेटिकल रहेगा और आधा पार्ट आपको इसमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा दोस्तों। जीएसटी या तो फिर और ईआरपी एप्लीकेशन, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। इंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लानिंग, ये एप्लीकेशन दोनों में से आपको एक चूज करना रहेगा। मेरे हिसाब से तो जीएसटी आपको बेस्ट रहेगा, जीएसटी ले लीजिएगा सब्जेक्ट। जीएसटी में आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, ये जो आपको 6 सब्जेक्ट हो गए, बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ये इलेक्टिव 2 सब्जेक्ट्स और इन दोनों में से 1 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट्स आपको 600 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 60 मार्क्स का आपको टोटल पेपर रहेगा, जिसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना रहेगा और 40 मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में रहेंगे, जो आपके इंटरनल्स प्लस असाइनमेंट्स, जो आपके बिहेवियर, आपका सेमिनार, ये सारा देख के आपको टीचर आपके 40 मार्क्स देगा। 60 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा, टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। 6 सब्जेक्ट्स पे सारा पैटर्न ऐसी है, 60 प्लस 40 100 है। और लास्ट देखिए दोस्तों, एक नया चीज आपके हर सम में, हर डिपार्टमेंट में एक सेम कॉन्स्टेंट चीज रखा है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करनी होगी आपको 4 वीक्स की। इंटर्नशिप क्या होता है सर, इंटर्नशिप यानी बाहर जाके आपको कहीं पे तो कहीं पर आपको ट्रेनिंग लेनी होगी 4 वीक्स के लिए। या तो फिर आप कंपनी में जाकर ट्रेनिंग लीजिए या तो फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ के नीचे जाकर ट्रेनिंग लिए, लेकिन आपको इंटर्नशिप करना होगा 4 वीक्स के लिए, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स आपके देना पड़ते हैं। 50 मार्क्स आपके टीचर्स आपको दे देंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये 50 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। कंपलसरी इंटर्नशिप है आपको इस सिक्स सब में दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं वो 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरफ दोस्तों। दोस्तों आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे इलेक्टिव में, जो आपको 2 चूज करना होगा। मैंने पिछली बार में 5 सब्जेक्ट्स बोला था, लेकिन नहीं दोस्तों, 6 सब्जेक्ट्स में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था एक कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है सर, जब वो आप फिफ्थ सम में थे तभी आपको कंडीशन दिया गया था कि आप जो फिफ्थ सम में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो सिक्स सम में आपको उसी का ही कंटिन्यू रहेगा। अगर आप फिफ्थ सम में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सिक्स सम में वो दूसरे 2 सब्जेक्ट लूंगा क्योंकि मुझे हार्ड हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं रहेगा दोस्तों। जो सब्जेक्ट फिफ्थ सम में लिए थे उसका ही कंटिन्यू, मार्केटिंग के सब्जेक्ट लिए थे तो मार्केटिंग का ही कंटिन्यू रहेगा, अगर फाइनेंस का लिए थे तो फाइनेंस का ही कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। ऐसा आपको कंडीशन दिया गया था। कैसे अब मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, टोटल 6 सब्जेक्ट है, एक एक से बात करते हैं। अब जैसे देख लीजिए बच्चों, फर्स्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सब्जेक्ट है दोस्तों, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आपने फिफ्थ सम में एडवांस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया था, जो दोस्तों ने ये लिया था उनको ही ये सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। सेकंड सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट आपको सेकंड सब्जेक्ट है। जिसने कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट लिया था उसी के लिए यह सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट है दोस्तों। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट देख लीजिए, कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है। जिसने कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिया था उसके लिए सब्जेक्ट रहेगा कल्चरल डाइवर्सिटी एंड वर्क प्लेस दोस्तों।
को। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट है मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस फोर्थ सब्जेक्ट है। जिसने फाइनेंशियल एनालिसिस सब्जेक्ट लिया था अपने फिफ्थ सब में, उसको सिक्स्थ सब में मार्केटिंग एनालिसिस सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट है रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है। जिसने फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट फिफ्थ सब में लिया था, उसके लिए फिफ्थ सब्जेक्ट रहेगा रिटेल ऑपरेशनल मैनेजमेंट दोस्तों। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है सोर्सिंग फॉर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपके लास्ट सब्जेक्ट है। जिसने फ्राइट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिया था, उसके लिए सोर्सिंग फॉर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। ये कंडीशन था जो फिफ्थ सब में लिए थे, उसी का कंट्री ने आपको यहाँ पर लेना है। आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ये कंडीशन था दोस्तों। और ये है हमारे छह सब्जेक्ट जिसमें आपको दो सेलेक्ट करना है। कौन से दो सेलेक्ट करना है देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं बीबीएम की क्लासेस स्टार्ट करना बोल के बहुत ही टाइम से सोच रहा हूँ दोस्तों। आप कमेंट करके ये मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ इस सेक्शन के लिए दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।